हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ बीसीए थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जो कि कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स है। 2021 का ये पेपर है फ्रेंड्स, 3 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स आप 70 गेन कर सकते हैं। तो चलिए इस पेपर को हम देखते हैं, इस पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ ईच पार्ट्स इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आपको जो पहला क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करना है। 1.5 × 10 क्वेश्चन, यानी 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी 15 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चन मिलाकर होंगे, यानी 1.5 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज 1.414 इज यूज एन अप्रॉक्सीमेशन टू अंडर रूट 2, फाइंड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स। मल्टीप्लाई 0.5543 E12 एंड 0.4111 E-1 E-15। तो फ्रेंड्स, मैं कोई बीसीए का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है उसको पढ़ने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, यह पेपर किसी और का है। थर्ड क्वेश्चन है, डिवाइड 0.1000 E5 विथ 0.999 E3। फोर्थ क्वेश्चन है, यूजिंग न्यूटन्स रैप्सन्स मेथड फाइंड द इटरेशन फार्मूला टू कंप्यूट अंडर रूट एन। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द लैग्रेंजियस इंटरपोलेटिंग फार्मूला। सिक्स्थ है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। सेवन है, व्हाट आर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। एट है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। नाइन्थ है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। एंड टेंथ है, डिफाइन लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, सेक्शन बी। तो फ्रेंड्स, सेक्शन बी के हम लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड, और सारे वर्ड क्वेश्चन को 200 वर्ड में आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0.4845 एंड वाई इज इक्वल टू 0.4800, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई यूजिंग नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, इंडिकेट द एरर इन फॉर्मर। और कोई दोनों में से एक करना है, प्रूव दैट ए प्लस बी माइनस सी डज नॉट इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी, वेर ए इज इक्वल टू 0.5665 E1 एंड बी इज इक्वल टू 0.5556 E-1 एंड सी इज इक्वल टू 0.5644 E1। थर्ड है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स लॉग 10x इज इक्वल टू 1.2 बाई बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट टू 4 decimal places, ऑल्सो राइट इट्स प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। और यूजिंग न्यूटन्स रैप्सन्स मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू cos x + 1, करेक्ट टू 4 decimal places। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, करेक्ट टू 4 decimal places यूजिंग गॉसे सिडल मेथड। 30x - 2y + 3z इज इक्वल टू 75, 2x + 2y + 18z इज इक्वल टू 30, x + 17y - 2z इज इक्वल टू 48। फ्रेंड्स, इनका आप स्क्रीनशॉट करके आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, और करके है राइट अ सी प्रोग्राम और एल्गोरिदम टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन लॉग एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 40, 45, 50, 55, 60 एंड 65 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। तो फ्रेंड्स, नीचे एक टेबल दी हुई है जहाँ पे एक्स और लॉग एक्स की वैल्यू दी हुई है, और इस टेबल के हिसाब से आपको लॉग एक्स की वैल्यू निकालना है, और एक्स की वैल्यू 40, 45, 50, 55, 60, 65 आप रख के निकालना है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 58.75। जो कि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि मैं कोई बीसीए का स्टूडेंट नहीं हूँ। और करके है, अप्लाई गॉसेस बैकवर्ड फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.06 raised to 19 इफ 1.06 raised to 10 इज इक्वल टू 1.7905, 1.06 raised to 15 इज इक्वल टू 2.39656, एंड इफ 1.06 raised to 20 इज इक्वल टू 3.20714, 1.06 raised to 25 इज इक्वल टू 4.29187 एंड 1.06 raised to 30 इज इक्वल टू 5.74349।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ऑप्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फॉर द डेटा गिवन बिलो। आप नीचे टेबल में देख सकते हैं। और है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्शन सी में है, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड में आपको आंसर करना है, और कोई दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। फाइंड द रियल पॉजिटिव रूट ऑफ 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेसेस। यूजिंग न्यूटन्स डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ F2, F8 एंड F15 गिवन द फॉलोइंग टेबल। यूजिंग लैग्रेंजियस इंटरपोलेटेशन फार्मूला फाइंड Y10 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। फ्रेंड्स, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट कर लें अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट लीनियर रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, आप जो भी निकालना है क्वेश्चन पढ़ लें। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक विद अ 4-डिजिट मैंटिसा, एक्स स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, गिव कमेंट्स और द रिजल्ट सो ऑब्टेंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like the video and share to your friends and subscribe the channel. Thank you.